हेलो दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर रविया और आप देख रहे हैं डॉक्टर रविया यूट्यूब चैनल। तो आ रहे हैं आप लोग, मैं आपका डॉक्टर रविया। चलिए, मैं आज आप लोगों को मित्रों, साथियों, भाइयों, बहनों, आप लोगों को मैं एक ऐसे दवा के बारे में बताऊंगा जो काफी पॉपुलर है आजकल या हमेशा काफी सालों से, 70-75 सालों से, लगभग इसे कह सकते हैं काफी पुरानी ये दवा है जो लोगों में लोकप्रिय है, महिलाओं में खासकर, अशोकारिष्ट और दशमलारिष्ट। तो आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूँ उस दवा का नाम है दशमलारिष्ट। तो आज मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि दशमलारिष्ट का क्या काम है और ये इतना पॉपुलर क्यों है और लगभग हर कंपनियां, आयुर्वेदिक कंपनियां दशमलारिष्ट और अशोकारिष्ट बनाती है। तो आज का हमारा विषय यही रहेगा कि दशमलारिष्ट क्या काम करता है और इसे कौन यूज कर सकता है और कितनी मात्रा में लेना चाहिए और इसके फायदे क्या हैं। इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। जैसे कि मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, ये दशमलारिष्ट की एक बॉटल है जो डाबर कंपनी की है। इसी तरह बैद्यनाथ कंपनी भी अपना दशमलारिष्ट बनाती है। ऐसी तमाम आयुर्वेदिक कंपनियां हैं जो अपने अपने कंपनी के नाम से दशमलारिष्ट, अशोकारिष्ट बनाती है। तो आज हम दशमलारिष्ट के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को एक बार सब्सक्राइब कर लें और जो लोग सब्सक्राइब कर लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो दोस्तों, मैं चलिए आपको बताता हूं भाई बहनों कि ये दशमलारिष्ट काम क्या करता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसको खास करके गायनेकोलॉजिस्ट जो महिला डॉक्टर हैं या पुरुष डॉक्टर हैं, महिलाओं के लिए ही स्पेशली रिकमेंड करते हैं, एडवाइस करते हैं महिलाओं के लिए। ये स्पेशली महिलाओं के लिए ही दशमलारिष्ट है और अशोकारिष्ट भी महिलाओं के लिए ही है। इसे पुरुष यूज ना करें क्योंकि कई तरह के हार्मोनल प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर पुरुष या कोई लड़का इसको पुरुष में यूज करता है तो हार्मोनल प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्योंकि ये महिलाओं को ध्यान में रखते हुए दशमलारिष्ट, अशोकारिष्ट बनाया गया है। तो जिस तरह आप देख सकते हैं मेरे हाथ में दशमलारिष्ट है, तो दशमलारिष्ट उस स्थिति में महिलाओं को, खास करके महिलाओं को समझना होगा कि कन्याओं को नहीं या किसी लड़की को नहीं एडवाइस किया जाता है, इसे महिलाओं को, जो महिला या जो स्त्री जो पहली बार माँ बनती है या दूसरी बार माँ बनती है तो प्रसव के बाद इसे डॉक्टर एडवाइस करते हैं। इसलिए कि प्रसव के बाद इससे ताकत की, जो महिलाओं में ताकत की कमी हो जाती है, खून की कमी होती है और कई तरह के अंदर प्रॉब्लम हो जाते हैं शरीर में, उसमें उसको ध्यान में रखते हुए इसे आयुर्वेद ने बनाया है दशमलारिष्ट। इसे प्रसव के बाद ही 10 से 15 ml समान मात्रा पानी के भाव में मिला के फेंट कर सुबह शाम किया जाता है या आपके डॉक्टर के अनुसार या आपके चिकित्सक के अनुसार इसे आप ले सकते हैं। तो इसे मैं शॉर्टली आप लोगों को बता दूंगा, वीडियो में बड़ा लंबा नहीं करूंगा, क्योंकि ये दशमलारिष्ट प्रसव के बाद ही महिलाओं को दिया जाता है, जिससे उनके अंदर की खून की कमी, कमजोरी, अंदर नलों में सूजन को ये दूर करता है। और अशोकारिष्ट के बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा, उसे कब लिया जाता है, इसके लिए आप जब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे जब भी मैं अशोकारिष्ट पे वीडियो बनाऊंगा तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, जैसे मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो दशमलारिष्ट के बारे में मैं अच्छे से अपने वेबसाइट पर इसके बारे में मैं लिख दूंगा, इसका कितनी मात्रा में लेना है, क्या करना है, इसके लिए आपको मेरे वेबसाइट पर जाना होगा, जिसको आप नोट भी कर सकते हैं और नीचे डिस्प्ले पर देख भी सकते हैं। मेरे वेबसाइट का लिंक और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आप नोट कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट है www.doctor.bhiyy.tk, ये हमारी वेबसाइट है। इस पर जाके आप पढ़ सकते हैं ब्लॉग के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से। मैं बता दूं फिर से एक बार इसको कि दशमलारिष्ट महिलाओं के लिए है जो पहली बार या दूसरी बार जब भी प्रसव के बाद उनको कमजोरी होती है, उस अवस्था में डॉक्टर रिकमेंड करते हैं महिलाओं को दशमलारिष्ट या स्वतः भी बहुत से आयुर्वेदिक दवा है, पुराने लोग इसको एडवाइस कर देते हैं महिलाओं को, तो ये प्रसव के बाद लेना सबसे उचित और अच्छी दवा होगी। बाकी आपके मेडिकल कंडीशन के ऊपर है, आपके डॉक्टर के ऊपर है, बिना डॉक्टरी चिकित्सक सलाह के इसको यूज ना करें। और अगर इसके बारे में अधिक जानना है तो इसको इस चैनल को डिस्क्रिप्शन में जाके इस वीडियो के आप मेरे वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नए हैं तो मैं फिर से कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जब भी आपको हेल्थ संबंधित वीडियो, दवा संबंधित वीडियो बनाता हूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके लिए आपको बेल आइकन को दबाना होगा। इसी के साथ साथियों, भाइयों बहनों, मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आगे मेरे चैनल को देखते रहें आप।